एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूँ, इधर भी आग्रह कर रहा हूँ, माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। चलो चलाओ, मैं आ रहा हूँ सर बजट पे। सर मैं आ रहा हूँ बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूँ। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी, फाउंडेशन। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4, 5, 10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या, हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है। और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है, और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो, हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो? ये आप सोचते हो, आप ये सोचते हो? आप लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने का की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए, एक साथ हम सब मिलके किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट, माने
माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए माननीय, प्लीज बैठिए। माननीय सदन, माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज आइटम नंबर 23 से अधीर रंजन चौधरी जी। Finally, it was passed by both houses of the parliament, but now is that what the parliament went for? किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है। yes. आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट, आपको याद होगा, स्पीकर सर, डरते क्यों? सुनो, तू हिले सुन अपने स्पीकर सर आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात